मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। वर्गमूल घनमूल का चैप्टर चल रहा है और आज 71 से आगे हुए क्वेश्चनों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। 1 से 70 तक के क्वेश्चन अभी तक आप देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो के आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा उसका लिंक, वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर मैथ सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे नए चैनल मैथ सॉल्यूशन को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको दिए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप सीधे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको रेलवे ग्रुप डी, साथ साथ यूपी पुलिस और लेखपाल के प्रीवियस ईयर मैथ्स के सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने लाते हैं हम। क्या है भाई? यह है 4/3 - √3/4। क्या करेंगे और किस तरह से करेंगे? 4 का मतलब 2 है, 3 को मानना है, निकाल सकते हो, तो √3 ही रहा, -3 तो अंदर ही रहा भाई, और 4 का आया 2। कुल मिलाकर अगर मैं बात को कैंसिल हुई तो 2 √3 आए, 2 × 2 = 4। और अगर √3 के √3 में मैं गुणा करूं, अगर √3 की ना √3 में गुणा करूं तो कितना रहेगा भैया? 3, तो बनेगा 1/2 √3। देखिए उत्तर ये भी बन सकता है, उत्तर ये भी बन सकता है अगर वो ऑप्शन में देता है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो फाइनल उत्तर होता है उसमें अंडर रूट नीचे नहीं होना चाहिए, हर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करें, हर में से अंडर रूट को हटा दें, तो यह जाएगा √3, और √3 के √3 में गुणा करें तो 3 आएगा, और 3 दूनी हो जाएगा 6। कुल मिलाकर ये उत्तर सही है। और देखिए ऑप्शन में दोनों उत्तर दे गए हैं, ये भी दे गया है 1/2 √3, और √3/6 भी दिया गया है। लेकिन जो सही जवाब है, जो राइट आंसर है, वो वही होगा कौन सा भाई? √3/6। तो इससे आगे क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 का क्वेश्चन क्या है भाई? 4/2 + 3/2 = √x। तो 4 × 16, 3 × 3 = √x, 16 × 25 = आ गया भाई √x। अगर मैं दोनों तरफ का वर्ग करूं तो आ जाएगा 25 का वर्ग = x, और 25 का वर्ग हो जाएगा 625 = आ जाएगा x पे। कुल मिलाकर इसका आंसर कितना बना? 625 बना। बड़ा आसान काम है। अगर आपके याद हैं 35 तक के वर्ग, तो ये टाइम बचाते हैं। इस बात को मैंने जब भी चैप्टर स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में इस बात का जिक्र किया कि आपके याद होने चाहिए कम से कम 1 से 35 तक के वर्ग। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है भाई? उसने दिया है क्या, यदि √2 = 1.4142, तो मान बताना है 7/3 + √2। तो 3 + √2 को हमें नीचे से हटाना है, अंडर रूट हटाना है, इस चैप्टर में यही बात ध्यान रखनी है आपको। तो अगर अंडर रूट हटाना, तो जो बड़े में लिखी है संख्या उसका केवल चिन्ह बदल दिया, चिन्ह बदल दिया, पहले के वर्ग में से दूसरे के वर्ग घटा दो, तो 3 × 3 = 9, 9 में से 2 गए 7। दोबारा देखो, चाहे हम प्लस हो या माइनस, घटा नहीं है आपको, पहले के वर्ग में से दूसरे का वर्ग, तो 3 × 3 = 9, 9 में से 2 गए 7, 7 से 7 गया, तो आया भाई 3 - √2। √2 का मान पहले ही दे दिया उसने, घटा दो भाई, 10 में 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 9 में से 4 गए 5, और 2 में से भैया 1 गए 1 बचेगा। कुल मिलाकर 1.5858 ये उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्या है? यदि फिर √2 की वैल्यू दी गई 1.414, ठीक है भाई, और मान बताना है, मान 4 + √2 / √2
प्लस एक का, ठीक है भैया, इसका मान बताना है, क्या करना है, कैसे करना है, देखते हैं। देख नीचे से ये हटाना है, ऊपर तो इसे जो का तू ले जाओ, टेबल चिन्ह बदल दो, क्या बदल दो, चिन्ह बदल दो, रूट दो माइनस है, बटे में इसके वर्ग से इसका वर्ग घटा दो, रूट दो का वर्ग दो और एक का वर्ग एक, तो दो में से ही जाएंगे, गुणा करो, चार को रूट दो में करो तो चार रूट दो आ गया, चार के माइनस एक में दो माइनस चार है, रूट दो की रूट दो में करो दो आए, दो की रूट दो की माइनस एक में करेंगे तो माइनस के रूट दो आए, कुल मिलाकर चार में से गए तीन रूट दो माइनस दो तीन, रूट दो का मान एक दशमलव चार एक चार दो माइनस दो, ठीक है, कर दो तीन दो छः चार तीन बारह तीन कम तीन और एक चार और चार तीन बारह एक तीन कम तीन और एक चार घटा दो दो तो दो दशमलव दो चार दो छः इसका आंसर बनेगा, दो दशमलव चार दो चार दो छः इसका आंसर बन गया, इसका बनिया क्वेश्चन नंबर 74। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी भाई 75। 75 में एक आसान क्वेश्चन है, अंडर रूट सात प्लस दो रूट दस है, अंडर रूट सात प्लस दो रूट दस है, बच्चे सोचेंगे भाई अभी तक तो एक अंडर रूट से पीछे छूट रहा था, दूसरा भी अंडर रूट आ गया, एक तो ये है एक ये है, ये तो उनसे भी आसान है भैया जो अब तक कर रहे हैं, क्या करना, केवल आपको दस के टुकड़े करने हैं, दस के टुकड़े करें ऐसे जिनका योग ये संख्या हो सात, दस के ऐसे टुकड़े जिनका योग सात हो, पाँच दो में दस हो गया काम, बस बड़ी संख्या पहले छोटी बाद में दोनों का रूट, बड़ी संख्या पहले छोटी बाद में दोनों का रूट, और बीच में जो चिन्ह वही लगाना, प्लस है प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इससे अगला भी है, आठ प्लस दो रूट पंद्रह, पंद्रह के टुकड़े करने, अब कितने करने, पंद्रह के टुकड़े करने, पांतिया पंद्रह, पांतिया पंद्रह तो पांच पहले तीन बाद में दोनों पे रूट और बीच में प्लस, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भैया 77 क्या है, ए का मान क्या है, अंडर रूट सात प्लस दो रूट बारह, और बी का मान दिया है सात माइनस दो रूट बारह, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, कैसे बारह के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका योग सात हो, चार के बाद चार पहले तीन बाद में दोनों का अंडर रूट, बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो भैया माइनस लगा दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट चार माइनस अंडर रूट तीन, कुल मिलाकर दो प्लस रूट तीन और ये बना दो माइनस रूट तीन, तो ए की वैल्यू निकाली हमने, बी की वैल्यू निकाली, लेकिन ना ए की वैल्यू चाहिए ना बी की वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए भैया ए क्यू प्लस बी क्यू, मतलब ए का मान दो प्लस रूट तीन, बी का मान दो माइनस रूट तीन का होल क्यूब कर दिया दोनों का, कौन सा भाई ए क्यूब मतलब दो का क्यूब प्लस रूट तीन क्यूब प्लस तीन गुणा दो रूट तीन, दो प्लस रूट तीन प्लस यहाँ पर दो क्यूब माइनस रूट थ्री क्यूब माइनस थ्री इंटू टू रूट थ्री टू माइनस रूट थ्री, जो कटता हूँ काट देखो तो साफ ज्यादा नहीं है, करो दो दूनी चार दूनी आप प्लस तीन दूनी छः छः दूनी बारह रूट तीन, तीन दूनी छः और छः की अठारह, चलो भाई इसमें आ जाओ आठ तो झुको तू है केवल चिन्ह बदल रहे हैं तो संख्या तो झुकी तो ही आ गई, ये भी गया आठ आठ सोलह और अठारह अठारह छत्तीस, छत्तीस सोलह बावन और छत्तीस सोलह कितना भैया बावन, और ये बावन ही तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये है आपका कौन सा क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर है ये 78 क्या है, अंडर रूट सात बटे अंडर रूट सोलह प्लस छः अंडर रूट सात माइनस अंडर रूट सोलह माइनस छः रूट सात, अब देखिए इसको करने के दो तरीके हैं,
क्या एक तो वो ये जो हमने करा, यहाँ पर दो छोड़ दो बस, बाकी सब अंदर ले जाओ, यहाँ पर दो छोड़ दो बाकी सब अंदर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दो छोड़ दो, तीन बजेगा, तीन को अंदर ले जाओ, तीन को अंदर अगर मैं ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा, 963 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 16 हो, तो 973। सीधा सीधा सा एक काम करो कि ये है आपका कितना भाई, 6 अंडर रूट 7। अब यहाँ पर दो अलग काम दो, 3 रूट 7 बचा, तो 3 रूट 7 के ऐसे टुकड़े करने। अब ध्यान देने वाली बात ये समझ जाओ बस, को देखा 3 रूट 7 के ऐसे टुकड़े करने जिनके वर्ग का योग 16 हो। क्या बताया मैंने, 3 रूट 7 के ऐसे टुकड़े करने जिनके वर्ग का योग 16 हो। हो वहां भी वर्गों का योग रहा, लेकिन वहां पर दोनों ही संख्याएं अंदर थी तो डायरेक्ट हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पर एक संख्या बाहर है, अंदर है, तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या करेंगे भाई, अब सीधा ही कर दो, इसमें तो कुछ है नहीं भाई, 3 का वर्ग करेंगे 9 और √7 का वर्ग करेंगे तो 7 दोनों का उपयोग करूंगा तो 9 और 7 16 हो जाएगा। तो भाई यही बन गया, क्या ये बना 3 + √7, अगर प्लस तो प्लस लगा और अगर माइनस है तो बीच में माइनस ही लगा। आया भाई √7 3 + √7 3 + √7 ये गया जी, बना √7/2 √7 कैंसिल हुआ तो 1/2 बनी। इसका भी 78वें क्वेश्चन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है आपका 79 79वां क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है √24 का मान दिया गया है 4.898, मान बताना है √8 होते थे, 300 ऊपर गुणा करी 3 से नीचे गुणा करी काम बनेगा √24/3। 24 का मान 4.898/3 3 3 3 3 18 3 3 9 3 2 6 ठीक है भाई, आगे कितना बचा 2 3 6 8 करते चले जाओ जहाँ तक जाना है, लेकिन हमें देखना है तो ये आप जो है इसे क्या लिख सकते हैं 1633 लिखा जा सकता है और यही आंसर है किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 80वां क्वेश्चन, 80वां क्वेश्चन क्या कहना है, बड़ा अलग हटके क्वेश्चन है, आसान भी है, अगर समझ में आ जाए तो आसान भी है, ना समझ बनोगे तो ना समझ ही बना देगा, समझ में आ जाए तो आसान है नहीं तो ना समझ बना। क्या है भाई इसकी वैल्यू बतानी, क्या है यहाँ पर लगाना आपको योगांतर अनुपात करनी है, दोबारा सुनो यहाँ पर क्या लगाना, योगांतर अनुपात करनी है, योगांतर अनुपात का मतलब क्या है, योग भी करना है और अंतर भी करना, योग का मतलब दोनों को जोड़ो, जब जोड़ोगे तो इससे ऊपर जाएगा, क्या बचेगा एक ही बचेगा, एक ही बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2√3+s, अब घटा दो, घटाएंगे तो ये दोनों बन जाएंगे, ये दोनों बचेंगे तो 2√3−s, जो काम इधर करा है ध्यान दो, जो काम इधर करा है ध्यान दो, जो काम इधर करा है वही काम इधर करना है, मतलब क्या है, अगर आपने जोड़ के पहले लिखा तो दोनों को जोड़ के पहले लिखा, घटा के बाद में लिखा है तो दोनों घटा के बाद में, तो दोनों से एक गया, ये गए वर्ग कर दो दोनों तरफ का, तो 3+x/3−x बराबर 1/2, दोनों में 1 जोड़ दो, फिर वही बात योगांतर अनुपात करने में लगा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो योगांतर अनुपात आप सीख चुके हैं, एक बार दोनों जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 घटाएंगे तो 3 से 3 घटा x x2x हो, जोड़ेंगे 9 1 10 आए, घटाएंगे 9 से 1 8 तो 2 3 6 तो आगे वही 3/2 2 10 और 2 4 8 3/x = 5/4 कुल मिलाकर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या उल्टा कर दो, x/3 = 4/5 या x का मान आ जाएगा भैया 4 किया 12/5 और ये 12/5 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, तो ये बी ऑप्शन इसका बी नहीं सही हो पाएगा।
अच्छा योगा अंतर अनुपात कहाँ लगता है? जहाँ बीच में बराबर हो। अगर बीच में बराबर है नहीं है तो आप योगा अंतर अनुपात नहीं लगा सकते। जैसे ये क्वेश्चन है इस अगला क्वेश्चन नंबर 81, उसने कहा यदि एक्स बराबर अंडर रूट 3/2 है तो मान बताना है आपको इसका मान 1 + x + √(1 - x) / √(1 + x) - √(1). ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आप मेरे भाई क्या करना है, यहाँ पर इसको ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाना तो फिर वही जो हमने बताया बीच का चिन्ह बदलना, केवल माइनस है तो ऊपर ले जाएगा प्लस, प्लस पहले रखा तो ये हो जाएगा वर्ग। ये हो जाएगा भैया क्या, वर्ग। नीचे क्या पहले के वर्ग से दूसरे का वर्ग घटाना है, तो वर्ग करें तो अंडर रूट घट जाएगा। घटाना है तो वही घटा देंगे, कोई बात नहीं। वर्ग बोल दो, ए स्क्वायर मतलब 1 + x, बी स्क्वायर मतलब 1 - x, प्लस 2ab मतलब अंडर रूट 1 + x * 1 - x। कौन देना होनी चाहिए 1 + x - 1 + x, कौन सा हो गया एक्स एक्स है, कितना हो जाए या 2 + √(1 - x)² / 2x। यहाँ पर क्या करोगे, 2 कॉमन लिया, 1 + √(1 - x)² / 2x कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर करो देखा 1 + √(1 - x) का मान रखो कितना है, 3/4। यहाँ पर मान रखा √(3/2), हल कर दो। हल करेंगे तो कितना आएगा भैया 1 + देखिए 4 में से 3 गया 1 / 4 मतलब 1/2 बनेगा √(3/2). कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये बना 3/2 / √(3/2, 2 से 2 जाएगा बचेगा 3/√2। और अगर 3/√3 सॉरी, और अगर 3 को √3 से भाग देंगे तो √3 ही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 81। थोड़ा सा लग रहा होगा बड़ा, लेकिन अगर बड़ा लग रहा है तो आप इस क्वेश्चन को 2 बार देखें। अगर आपको ऐसा लग रहा कि थोड़ा मैंने तेज किया है तो वीडियो को स्लो करके देखें, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपके पास है कि आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, और स्लो लग रहा है तो फास्ट भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। स्लो का फास्ट, फास्ट का स्लो आपके हाथ में है, आपके अंगूठे में ताकत है, कर सकते हैं आपको काम। चलिए भाई यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 22, क्या है x का मान दिया है 7 - 4√3, तो मान बताना x + 1/2 का, तो पहले वाले को माइनस कर लेंगे तो 20 बटे में अगर करें तो इसके बाद में इसका घटाओ 7 × 4√3 का 4 × 16 = 48 मतलब कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दो लो, ये कैंसिल हुआ, ये 14 है, यही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 83 आ जाएगा नहीं आपको, ठीक है। चलिए भाई आ जाए, x + y का मान बताना है कब, जब x का मान है √5 + √3 / √5 - √3 + √5 - √3 / √5 + √3। देखिए ये मान x का है, ये y। अच्छा मैंने जो क्वेश्चन जब कराया आपको, एक क्वेश्चन मैंने कराया आपको इसी एक्सरसाइज में, कौन सा कराया था, क्वेश्चन नंबर 63 याद करो। जब मैंने 63 क्वेश्चन कराया था उस समय आपको 2 बातें बताई थी, क्या कि अगर ये 2 वैल्यू ऐसी हैं कि उनकी गुणा करूं तो 1 आ जाए, तो 1 आना इससे ही कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और उनका योग चाहिए तो कुछ नहीं करना, 2 गुणा इनके वर्गों का योग मतलब 5 और 3 8, 5 + 3 8 जाएगा, और उनके बटे में वर्ग का अंतर 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 × 8/2 मतलब उत्तर आ गया 8। याद करो क्वेश्चन नंबर 63 को एक बार फिर से देख लो, अगर अभी तक वो नहीं देखा है आपने तो एक बार भाई फिर से देख लो, और मैं आपकी संतुष्टि के लिए क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर भी चेक कर देता हूँ। एक ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, ये ऑप्शन है, और ध्यान रखना ये बात 84 में भी लगने जा रही है, और 84 में तो 2 बार लग रही, कितनी बार, 2 बार लगेगी। देखो भाई कैसे,
अंडर रूट सात प्लस अंडर रूट तीन बटे अंडर रूट सात माइनस अंडर रूट तीन, अंडर रूट सात माइनस अंडर रूट तीन, अंडर रूट सात प्लस अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन माइनस एक बटे अंडर रूट तीन प्लस एक, अंडर रूट तीन प्लस एक बटे अंडर रूट तीन माइनस एक। अगर हम बात करूँ यहाँ तक की, तो यहाँ तक की भी यही बात लग रही है, यहाँ इसमें बात करूँ तो इसमें भी यही बात लग रही है। इन दोनों बड़ा करूँगा तो इससे उपट जाएगा, इससे उपट जाएगा, इन दोनों बड़ा करूँगा इससे उपट जाएगा, इससे उपट जाएगा, एक आ रहा तो लगा तो होगा क्या दो गुना बड़ा हो गया। अगर दोनों वर्ग अंडर रूट के अंदर है तो डायरेक्ट जोड़ दो सात तीन प्लस कर दो बटे वर्ग का अंतर बैठा दो डायरेक्ट सात में से तीन गए चार प्लस यहाँ पर वही करो दो गुना वर्गों का योग तो अंडर रूट तीन का वर्ग करेंगे तीन एक का वर्ग करेंगे एक तीन और एक चार घटाएंगे तीन में से गया दो दो घटाएंगे दो दूनी चार दो बने दस कितना है वही पाँच प्लस चार बराबर है नौ। पाँच प्लस चार बराबर है नौ करोगे अगर पूरा तो भाई बहुत समय लगने वाला है, समय ज़्यादा लग जाएगा, इतना समय नहीं होता। इस तरीके से करोगे तो ही समय बचेगा, इस तरीके से करोगे तो ही नंबर आएगा। अब बात है क्वेश्चन नंबर 85 की, तो ए बराबर है पाँच प्लस दो रूट छः, ए बराबर है पाँच प्लस दो रूट छः और यहाँ पर जो मान बताना है अंडर रूट ए माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए का मान, अंडर रूट ए माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए का मान बताना है। तो पहले अंडर रूट लाइन हो गई, अब छः के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका एक पाँच है तीन दूनी छः, बिल्कुल भाई तीन दो बीच में प्लस दोनों का अंडर रूट लगा दो, ये तो है अंडर रूट ए की वैल्यू। वन अपॉन अंडर रूट ए की वैल्यू बतानी तो बीस में तीन बदल दिया, घटाना अंडर रूट ए माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए बराबर ये तो कैंसिल हुआ और ये वन दो रूट दो और ये बना क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बनने वाला है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 किसकी भाई, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है क्वेश्चन नंबर 86। देखिए यहाँ भी बहुत मुश्किल नहीं है, उसने कहा यदि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर 17 के हैं और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर 1 के हैं तो अंडर रूट ए बी का मान बताना है, अंडर रूट ए बी का मान आपको बताना है, कैंसिल हुआ तो दो रूट ए बराबर 18 दो निम 18 तो अंडर रूट ए का मान 9 मान रखना 9 प्लस अंडर रूट बी बराबर 17 अंडर रूट बी बराबर 17 माइनस 9 तो ये आ गया 8 मान किसका निकालना अंडर रूट ए बी का तो गुणा करने का 9 गुणा 8 9 है 72 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, ए की वैल्यू दी गई है बी की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू दी है तो पहले मैं ए प्लस बी का मान निकाल लूंगा, अंडर रूट पांच प्लस एक बटे अंडर रूट पांच माइनस एक है, ठीक है। अब देखो क्या है भाई वही लगा दो, दो गुणा वर्गों का योग पांच और छह, अंतर पांच से चार, दो दूनी चार दो तीन छह तो तीन आ गया और ए बी का मान कितना एक है, इससे उपट जाएगा इससे उपट जाएगा ए बी का मान निकाल, मान इसका नहीं निकालना पहले मान निकालना था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे किसका भैया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान। तो अब ए प्लस बी की वैल्यू है और ए बी की वैल्यू है, ए प्लस बी की वैल्यू है और ए बी की वैल्यू है, तो जुगाड़ ऐसा बनाना है जिससे कि इन दोनों में ही क्वेश्चन को होता है। तो इसमें मैंने ए बी घटा दिया, ए बी जोड़ दिया, इसमें टू ए बी जोड़ दिया, टू ए बी घटा दिया, तो कुल मिलाकर अगर बात करूँ तो बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, मैं बात करूँ इसे 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 लूँगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बन जाएगा भैया एक और दो तीन, इसका मान कितना है तीन तो तीन का वर्ग कर दो, इसका मान है एक तो एक लिख दो,
तीन का वर्ग माइनस तीन गुणा तीन, तीन तीन नौ में से है आठ, तीन तीन नौ में से जो है तीन में छः, तो चार बटे तीन इसका उत्तर आ जाएगा। पॉइंट में दे रखा था, पॉइंट में देखो चार बटे तीन दे रखा, चार बटे तीन पॉइंट में दे रखा, तो एक दशमलव तीन तीन आ जाएगा। कैसी बात करें तो ये क्वेश्चन भी हुआ भाई सतासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपका कराना है, ये हमने करना है। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले यहाँ नहीं है। इस किताब का अंडर रूट दो प्लस वन अपॉन रूट दो होल स्क्वायर, अंडर रूट दो प्लस वन अपॉन रूट दो का होल स्क्वायर तो लिया है इसमें हमने, तो अंडर रूट दो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो दो प्लस एक का होल स्क्वायर तीन या नौ बटे दो मतलब साढ़े चार, इसका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या है दो बटे रूट सात प्लस रूट पाँच प्लस सात बटे रूट बारह माइनस रूट पाँच माइनस पाँच बटे रूट बारह प्लस रूट सात। मुझे जो याद आ रहा है वो ये याद आ रहा है कि शायद ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कहीं चिन्ह की मिस्टेक है, चिन्ह की मिस्टेक है तो मैं वो चेक कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल चिन्ह की मिस्टेक है, यहाँ माइनस करना है प्लस नहीं है, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। ले जाऊँगा इसे ऊपर ऊपर ले जाऊँगा तो इसका चिन्ह बदलना बस बटे में सात बात ले लूँ, इसे भी ऊपर ले जाऊँगा इसका चिन्ह बदल दिया, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस हो जाता है, ऊपर घटाता सात इसे भी ऊपर ले जाऊँगा तो इसका भी प्लस हो गया, और बारह में सात है पाँच, पाँच से पाँच गए सात से सात दो से दो करो हम रूट सात माइनस रूट पाँच रूट बारह प्लस रूट पाँच माइनस रूट बारह माइनस रूट सात, ये गया ये गया ये गया सब कुछ गया जीरो आया, सब कुछ गया जीरो आया, तो ये बड़ा आसान काम हो गई। नब्बे क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो कम से कम जब 90 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, हमारी मेहनत को कम से कम थोड़ा सा सफल बना सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और वीडियो को शेयर तो करें। आप ये दोनों काम करें या ना करें, क्या भाई कि आप लाइक करें ना करें वो आपके ऊपर है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही नहीं आ रही, सब्सक्राइब करें ना करें ये भी आपके ऊपर है, लेकिन आप शेयर तो जरूर करें, अपने दोस्तों का तो भला कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, उतने और जितने के साथ यदि एक संख्या है तो वर्गमूल निकालना है, तो निकाल दो वर्गमूल 17,956 का वर्गमूल निकालना, लास्ट के दो अंकों को जोड़े बने, लास्ट मारा छः तो या तो चार बनेगा लास्ट का क्या बनेगा छः, लेकिन इससे छोटा वर्ग क्या है, ठीक है 179 से छोटा वर्ग है 169, 169 किसका है वो 13 का। अब 13 की गुणा 14 में कर दो, 13 की गुणा 14 में कर दो, 14 + 42 चार, 14 × 14 है और चार कितने हो गए 18 तो 182। अब देखिए ये संख्या इससे बड़ी है या छोटी है, ठीक है 182 छोटी है बड़ी छोटी है तो छोटा अंक लेना, इसका मतलब ये है 134 का वर्ग इसका है भैया, 134 का वर्ग और 90 क्वेश्चन का इस तरह से बन जाता है, ये ऑप्शन सही। तो ये क्वेश्चन नंबर 90 रहा, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 90 देख लिए हैं, आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद।